ओ लेजी लड़की, यार तुम एक हसीन ख्वाब हो। मैं ख्वाब नहीं हूं। यालन। जी मेरी जान। तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जानता हूँ। अच्छी बात है। तुम ख्वाब नहीं हो। मैंने कहा तो है कि नहीं हो। क्या मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हाँ, फाइनली। मगर असल में ऐसा नहीं है। मैं बड़बड़ा रही थी, दरअसल ख्वाब देख रही थी मैं। पीछे मत हटो लेजी लड़की। अब मैं बाथरूम जा रहा हूँ और मुझे तुम्हारा इकरार सही से सुनना है। उठ जाओ आप। तुम्हारे ख्वाबों में मेरी जान। तुम हटोगे तो मैं वॉशरूम जाऊंगी ना। लो जाओ। तो फैल, दोरक का पांव ठीक होने तक यहीं पर होना तुम। मैं नहीं जा रहा लैला। तो फिर मैं चली जाऊंगी और अपने बेटे को भी ले जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा है तो तुम उसे लेकर जाकर दिखाओ सरा। तो फैल मैं थक चुकी हूँ। तुम अब सबको परेशान कर रहे हो और मुझे भी। तुम ये बात समझते क्यों नहीं हो? मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरे आसपास के लोगों को बुरा नहीं मनाना चाहिए। वो सिर्फ मेरा साथ देंगे, चाहे मैं उनको थका ही क्यों ना दूं। ठीक है, वो तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा साथ दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दूंगी तुम्हारा साथ। तो फैल तुम जब से आए हो मैं बहुत थक गई हूँ। जानी जब से मैं आया हूँ तब से ऐसा हुआ है। मुझसे इस लहजे में बात मत करो। तो फैल लगता है कि तुम दोनों पागल हो गए हो। आप अंदर जाएं। सुना नहीं? क्यों जाऊं मैं यहाँ से? काफी देर से मैं तुम दोनों को देख रही हूँ। तुम्हारा बेटा अंदर सो रहा है, थोड़ी तो शर्म करो। बच्चों की तरह लड़ रहे हो। अब जाओ यहाँ से, बाहर जाके लड़ो। बात करने के लिए कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो चुका है। अब कुछ खत्म नहीं हुआ है जब तक तुम अपना लहजा दुरुस्त नहीं करते और इल्जामात लगाना बंद नहीं करते। कुछ खत्म नहीं होगा।